वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉडी को प्रॉपर वार्म अप कैसे करना चाहिए और उसके बेनिफिट क्या होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कूल डाउन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो चलो आज हम जानते हैं कि कूल डाउन हमें कैसे करना है। सो कूल डाउन करने से पहले हम जानते हैं कि आखिर हमें कूल डाउन क्यों करना चाहिए, मतलब कि कूल डाउन से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप खेल के जाते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, यानी कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को उसके लेवल पे लाने के लिए हम करते हैं कूल डाउन, और कूल डाउन से जो हमारा हार्ट रेट होता है वो भी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। और अगर हम कूल डाउन से फायदे की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हमें बॉडी से इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि जब आप खेल के जाते हो तो आपकी बॉडी स्टिफ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो मसल होता है स्ट्रेच हुआ होता है। तो मसल को रिलीफ करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम कूल डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम एंकल रोटेशन स्टार्ट करेंगे। इसको आपको ऐसे ग्रेजुअली स्ट्रेच करके पूरा रोटेट करना है। एंटी क्लॉक, नाउ चेंज। अब एक पीछे और एक आगे ऐसे इसको स्ट्रेच करना है, पूरा इसको स्ट्रेच करना है मैक्सिमम बोथ। चेंज, चेंज, चेंज। चेंज। अभी आपको कोशिश करना है कि आप अपने दोनों हाथ से अपने टोज को पकड़ लो। अगर आप टोज नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करो कि आप यहाँ तक पकड़ लो पैर को, ठीक है। और ऐसे पकड़ के आपको आगे तरफ आना है और फिर मैक्सिमम स्ट्रेच करके इसको होल्ड करना है 20 सेकेंड तक। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब एक लेग को ऐसे रखना है और सेम हैंड सेम साइड एंड डिफरेंट हैंड भी इसके ऊपर। चलो अब काउंट 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आपको इसी में हार्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे करके अपने सर को इसमें टच करके ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप हार्ट कर सकते हो तो आप हार्ट का भी ट्राई करो। देखो ऐसे आप कैसे सर को इसमें अपने नीज में टच करके रखना है, और अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आप फिर नॉर्मली अपने पैर को ऐसे पकड़ के ऐसे कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग करते करते आपकी स्ट्रेच अच्छी हो जाएगी और इससे फिर आपका ये भी होने लगेगा। फिर आपको दूसरे लेग से भी सेम चीज़ करना है। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी में हम इसको ऊपर चलाएंगे। इसमें क्या होगा, जो हमारा ये पार्ट है ये स्ट्रेच होगा। अभी नॉर्मली हम जब कर रहे थे तो हमारे इस पार्ट में स्ट्रेचिंग हो रही थी, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड से लाएंगे ऐसे ऊपर से तो हमारे इस पार्ट में पूरा स्ट्रेच होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको ऊपर से ला के ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Leg change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चेंज। अभी आपको पैर को ऐसे रखना है, ठीक है।
और यहाँ पे ऐसे आपका वी फॉर्म होना चाहिए। देखो जैसे वी बन रहा है ना, ऐसे वी बनेगा आपको, पीछे पैर आपका ये ऐसे रहेगा, ठीक है। आपको पैर ऐसे नहीं रखना वरना आपको डिफिकल्टीज होगा, आपका पैर ऐसे नॉर्मल रहेगा और फिर सामने आपका ऐसे वी बनेगा, ठीक है। अब सेम हैंड सेम साइड एंड डिफरेंट हैंड भी इसके ऊपर, और फिर से 20 सेकंड तक काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change, leg change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अगेन आपको फिर साइड से भी करना है, जैसे मैंने बताया था आपको ऐसे ऊपर से ला के आपको इस तरह से भी स्ट्रेच करना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको इसको भी ऐड करना है। इसमें भी सिंपल वही सी सेम फॉर्मेट है जैसे ये था, और अब इसको ऐसे ऊपर से ला के ऐसे नॉर्मल स्ट्रेच, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारा हम पैर को पूरा स्प्लिट करेंगे। अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच करना है और दोनों हैंड को दोनों लेग्स पे रखना है, ठीक है। और इसके बाद 20 सेकंड काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब चेंज, अब बोथ हैंड्स को आपको अपने एक लेग पे रखना है। चलो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो चलो हम इधर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और जो लास्ट के 5 या 10 सेकंड होंगे इसमें आप अपने सर को इसमें नीज में टच करा के कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप दूसरे साइड भी सेम करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छा है तो आप अपने सर को इसमें टच करा कर रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे आपकी स्ट्रेचिंग और भी अच्छी हो जाएगी, जैसे देखो स्टार्टिंग से। और अगर आपको स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली भी कर सकते हो, आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर इतना भी नहीं हो रहा तो आप कोई बात नहीं इतने से ट्राई करो, तो आपका स्ट्रेचिंग अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है इसका कोशिश। और अगर आपका स्ट्रेचिंग अच्छा है तो आप ये ट्राई करो, चलो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमको मैक्सिमम अपने आगे जाना, यानी कि ऐसे आगे जाना मैक्सिमम जितना आप आगे जा सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम आगे आके आपको स्ट्रेच करना है इन दोनों पैरों को, और फिर यहाँ से आप 20 सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उसके बाद आप 10 के बाद ट्राई करना कि आप अपने सर को इस पर टच कराओ, ठीक है। चलो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस तरह से आपकी स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है उसमें आपको ऐसे लेट जाना है, उसके बाद अपने पैर को खींच के अपने चेस्ट में टच करना है ऐसे, और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपको ट्राई करना है कि जैसे मेरा पैर हवा में है, अगर आप इस तरह से होल्ड कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ज़मीन पे भी रख सकते हो, ठीक है। बट मुझसे हो जाता है तो मैं इसलिए इसको ऐसे रखता हूँ। अब जो आपको नेक्स्ट करना है उसमें आपको सेम हैंड सेम लेग, और इसको साइड में ऐसे स्ट्रेच करना है ऐसे, ठीक है। इसको पुश करना है साइड में और 10 सेकंड तक होल्ड करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद चेंज। अब ये लेग इस साइड जाएगा और इसको डिफरेंट हैंड से पकड़ना है, और जो ये हैंड है उसको आपको डिफरेंट साइड रखना है, ठीक है, ऐसे, और 10 सेकंड तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन चेंज। अब इसको पैर को ऐसे पकड़ के ऐसे 10 सेकंड तक होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, आपको ऐसे पैर को पकड़ के स्ट्रेच करना है और इसके बाद आपको ऊपर उठने की कोशिश करना है। चलो 10 सेकंड तक होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, आप कोशिश करना कि ये पूरा आपका पैर स्ट्रेच रहे, स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, और आप ऐसे पकड़ के आप यहाँ पर भी पकड़ सकते हो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ऐसे एक पैर आगे रखना है और एक पैर पीछे, और जो पीछे वाला पैर है इसको आपको जमीन में टच कराना है, इसकी नीज को, और 10 सेकंड तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ध्यान देना है कि मेरा पैर पूरा ज़मीन पे नहीं, यानी कि ये अबाउट टू टच है बट ज़मीन पे नहीं, यानी कि आपको भी ऐसे रखना है। अगेन लेग चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको दोनों लेग से ज़मीन पे ऐसे टच करने का कोशिश, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, आपको आराम से लेट जाना है और उसके बाद आपको एक पैर को ऐसे आराम से 1 2 3 ऐसे करके आपको बस आराम से धीरे धीरे करना है। कोशिश करना है कि इसको पैर को पूरा आप इसमें टच करो और ज़मीन पे फिर वापस, बट इसमें आप जल्दी जल्दी मत करना, आराम आराम से करना, उसके बाद हम दोनों लेग से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है आपको, आपको लेग को क्रॉस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको करना है धनुरासन, पूरा स्ट्रेच और ऊपर उठने की कोशिश 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको चेंज करना है, अब आपको एक पैर को उठा के इस साइड रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको चेंज, लेग चेंज, अब लेग चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, उसमें आपको अपने पैर को उठा के इधर लाना है और इस पर स्ट्रेच करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद बताऊंगा अभी ना, इसके बाद लेग चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। एक्सरसाइज चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लेग चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज कोबरा स्ट्रेच वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। उसके बाद इस दोनों पैर को आप कैसे पुश करना है आउटसाइड, ठीक है, पूरा मैक्सिमम पुश करना है इसको 10 सेकंड तक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसके बाद अब आपको दोनों पैर को ऐसे उठा के पीछे की ओर टच कराना है। होल्ड फॉर 10 सेकंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और फिर धीरे से आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज चेंज एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसके बाद आपको ज़मीन को टच करके 10 सेकंड के, उसके बाद आपको ज़मीन को टच करके 20 सेकंड के लिए होल्ड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसके बाद एक पैर को आगे करके आपको स्ट्रेच करना है 10 सेकंड के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लेग चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। साइड स्ट्रेच वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।
चेंज बोथ हैंड वन साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अगेन लेग चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक्सरसाइज चेंज होल्ड फॉर 10 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज, आपको ऐसे पकड़ के अपने सर को नीज में टच कराने का कोशिश करना है, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट आपको कोशिश करना है, ठीक है। इस तरह से नीचे जाना है पूरा और ऐसे कोशिश करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट कूलिंग एक्सरसाइज थे जो आपको खेलने के बाद या फिर हैवी वर्कआउट करने के बाद आपको कूल डाउन का सेशन ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप बैडमिंटन खेलने आते हो तो आप 20 मिनट्स निकालो, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। तो कूल डाउन करने के बाद ही घर जाओ, इससे बॉडी में काफ़ी सारे आपके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपका रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है और आपका रेंज ऑफ मोशन और आपकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको मूव करने में ईजी होगा और फिर आपकी जो रीच है वो भी बढ़ जाएगी। सो आई होप आपको ये कूलिंग डाउन एक्सरसाइज अच्छे लगे होंगे और आप इसको ज़रूर करोगे। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।